ओ जी ई आर एम यू एन डी ए, नो स्पेस, नो डबल जी, व्लॉगर मुंडा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो नए सफर का शुरुआत हो चुका है और अभी हम दो लिफ्ट क्रॉस कर चुके हैं और एक गांव में है जो उंगमा से आगे है। नहीं, हम लोग लिफ्ट लेके आप ही के लिए रुके थे। मेरा बैग तो पीछे में छोड़ दो, छोड़ दे पीछे। एक मिनट भैया ने हमें लिफ्ट दे दिए। थैंक यू भैया। लंबे दूरी तक के लिफ्ट मिलने का ये अच्छा फ़ायदा होता है और बहुत ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अभी हम लोग, ये एक रिवर है, प्यांग रिवर बोल रहे हैं ना। हाँ, प्यांग। नागालैंड का पहला रिवर देखने को मिला। कैसा लगा अब तक नागालैंड? बढ़िया ना, और लोग अच्छे ही मिल रहे हैं। हम लोग को तो अच्छे ही मिल रहे हैं, बाकी किसी और का क्या एक्सपीरियंस है हमें नहीं पता। एक्चुअली जर्नी में ऐसी बातें होती है ना, तो वो ज्यादा ज्यादा आपको पर्सन टू पर्सन ज्यादा चीजें समझने को मिलती है। इसे क्या बोलते हैं भैया, रोटी या कुछ और बोलते हैं? कम का राइस ना, सूखा रोटी है। कम चावल का राइस रोटी। हाँ, यहाँ शुगर के नुक्ता। ये है नागालैंड का प्योर गुड़। ठीक है, चलिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। ठीक से जाइए। ठीक है जी। सो जनाब, 70 किलोमीटर की लंबी हिच हाइकिंग के बाद हम फाइनली आ गए हैं वोखा, और जिन्होंने हमें लिफ्ट दी वो पूरा हमें वोखा लाकर छोड़ दिए। और ये होता है कभी कभी लिफ्ट में, हमें अनएक्सपेक्टेडली हमें इतनी लंबी लिफ्ट मिल गई, वरना हम कल इतने ही किलोमीटर के लिए, जब कल हमने ही चैकिंग की थी तो हम 8 से 10 ट्रक हमने बदले थे, छोटी गाड़ी इसमें ट्रक सब इंक्लूड था। बट अभी हम आ गए हैं वोखा, और जितने ही ज़्यादा लोग अच्छे हैं उतने ही ज़्यादा रोड ख़राब है, पर अभी 2 लेन का काम चल रहा है और रोड बन रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक जो रोड हैं वो सारी डेवलप हो जाएंगी और नागालैंड में कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। तो त्वेनसांग या और अगर आपको कहीं जाना है
तो रोड बढ़िया मिलेगी, पर अभी रोड थोड़ी खराब है, पर वोखा से कोहिमा की जो रोड है वो अच्छी है लोग बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ जाना है वोखा? ये कोहिमा, कोहिमा से फिर कोहिमा से हम लोग वो एक ट्रैक करेंगे जोको वैली। जोको वैली जाओगे? जी जी जाके नहीं, नहीं नहीं, हम लोग माजुली से आए पहले। एक्चुअली पूरा स्टोरी मैं बता देता हूँ। तो मैं माजुली में वहाँ पे वॉलंटियर कर रहा था। अच्छा। एक स्कूल में, वहाँ मैं पिछले 3-4 महीनों से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और फिर वहाँ से वहाँ पे ये भी आ गए, ये यूट्यूबर है। अच्छा। ये वहाँ पे लगभग 1 महीना रुके थे। अच्छा। फिर इनका आगे का ट्रैवलिंग का प्लान था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। तो मैं अभी इनके साथ आ गया। तो हम लोग ऐसे नागालैंड से तुली से होते हुए ये सारे विलेजेस हिचाइक करते 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 अभी हम वोखा आ गए, वोखा पहुंचे। मतलब कल हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 हिचाइक किए, लोडिंग ट्रक से लेकर पिकअप ट्रक तक और इस टाइप से। ओके। और इधर भी आज एक लंबा हमको लिफ्ट मिल गया, एक बड़े बढ़िया इंसान थे, उन्होंने पूरा 70 किलोमीटर जिनको लिफ्ट हाँ। देने में अच्छा लगता है। हम लोग देख के बोल रहे थे पक्का ये जाने वाला है। मैं ट्रैवलिंग करना, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, मगर टाइम नहीं मिलता उसी हिसाब से। अच्छा है, माजुली में भी गया हूँ। अच्छा अच्छा, माजुली तो मैंने पहले आज तक सुना नहीं था, पर अच्छा सडनली एक पता चला तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पे अभी बच्चों से इतना अच्छा कनेक्शन हुआ है कि अभी मैं यहाँ से वापस उधर जाऊँगा। मैं वहाँ पे कुछ दिनों, मतलब कुछ महीने वहाँ पे वापस रहूँगा और फिर वापस देखता हूँ कहाँ ले जाती है जर्नी। उस टर्निंग पे उतारने से हो जाएगा? ठीक है, हाँ उतार दीजिए आप जहाँ सही लगे। ये रहा वो वॉर सेमेट्री। हाँ अच्छा, ये वाला ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें बहुत अच्छी लिफ्ट दे दी। यहाँ बात करके देख लेना पहले समय का जगह। 0 6 3 0 7 8 अरुण अरुण। ठीक है ठीक है, अरिजीत। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्लैड टू मीट यू भाई, बाय। थैंक यू ब्रदर। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड कोहिमा और अगेन हमें लिफ्ट जो मिली वो मिली 70 प्लस किलोमीटर की, और 2.5 घंटे लगे और हम पहुंच गए हैं कोहिमा। तो ये है कॉमन एरिया इस हॉस्टल का, और काफ़ी अच्छा है ये हॉस्टल। इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कॉमन किचन है। सो ये है एंट्री गेट। ये हमारा रूम।